Then another example of pointer based on subtracting pointer from a another pointer. Means just मैंने previous session में discuss किया था, जब भी किसी address को similar type के address से आप subtract कराओ, then इस case में कभी physical subtraction या physical difference नहीं होगा. इस case में difference किस form में होगा? In the form of their position. सबसे पहले इस case में create किया variable a1. Suppose that अगर variable a1 का address क्या है इस case में sub as a 100. Then A2 का एड्रेस क्या है इस केस में? जस्ट मैं इस केस में स्टैक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं, जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. काफी लेंथी डायग्राम क्रिएट हुआ इस केस में. एक सिंगल ब्लॉक का साइज अज्यूम करो इस केस में एज अ 1 बाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेरेशंस. एड्रेस है 100, 99, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 89, 88, 87 एंड सो ऑन. सबसे पहले परफॉर्म क्या हो रहा है? मेमोरी एलोकेशन फॉर A1, मेमोरी एलोकेशन फॉर A2. A1 का टाइप क्या है? इंटीजर वेरिएबल, इसलिए A1 के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 2 बाइट्स. लेकिन इसका A1 का बेस एड्रेस क्या है? 99. 7 नेक्स्ट केस A2 के केसेस में A2 का भी टाइप क्या है? इंटीजर, इसलिए A2 के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 2 बाइट्स. लेकिन A2 का बेस एड्रेस क्या है? 97. नेक्स्ट केस कैरेक्टर वेरिएबल B1 और B2. B1 के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? ओनली 1 बाइट. सेम एज B2 के लिए भी कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? ओनली 1 बाइट्स. लेकिन नेक्स्ट केस में डिक्लेरेशन प्रोवाइड किए हैं फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल C1 एंड C2. तो C1 की बात करें तो C1 के लिए कितने बाइट्स एलोकेट कराएंगे? 4 बाइट्स. 1 2 3 4. इन 4 बाइट के ब्लॉक का नेम क्या होगा? C1. इसका बेस एड्रेस क्या है? 91. नेक्स्ट वन वेरिएबल C2. C2 के लिए कितने बाइट्स एलोकेट कराओ? 4. 1 2 3 4. इन 4 बाइट के ब्लॉक्स का नेम क्या हो जाएगा? एज अ C2. C2 का बेस एड्रेस क्या है? एज अ 87. डजंट मैटर. इस केस में जस्ट फर्स्ट केस में डिस्प्ले किया करा है एड्रेस ऑफ A1 माइनस एड्रेस ऑफ A2. A1 का बेस एड्रेस क्या है? 99. एंड A2 का बेस एड्रेस क्या है? 97. अगर फिजिकली बात करें तो फिजिकली क्लियरली इन दोनों में डिफरेंस कितने का सो रहा है? 2 का. लेकिन इस केस में एड्रेस है डिफरेंस पोजीशन के फॉर्म में क्रिएट हो, इसलिए डिवीजन किससे हो जाएगा? साइज ऑफ टाइप ऑफ A का टाइप क्या है? इंटीजर, और इंटीजर का साइज क्या है? 2. इसलिए डिवाइड किससे होगा? 2 से. इसलिए फाइनल डिफरेंस क्या आएगा? ओनली 1. इसलिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा? रिजल्ट एज 1 इन फर्स्ट केस. इस फर्स्ट प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हो जाएगा? 1. सेकंड केस में क्या है? एड्रेस ऑफ B1. B1 का एड्रेस क्या है? 96. B2 का एड्रेस क्या है? 95. अगेन डिफरेंस कितने का है? 1 का. डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैरेक्टर मींस 1. अगेन डिफरेंस क्या आएगा? 1. नेक्स्ट केस एड्रेस ऑफ C1. C1 का एड्रेस क्या है? 91 माइनस एड्रेस ऑफ C2 87. डिफरेंस कितने का है? 4 का. ठीक है, डिफरेंस डिवाइड किससे होगा? साइज ऑफ फ्लोट. फ्लोट का साइज क्या है? 4. 4 डिवाइडेड बाय 4. अगेन डिफरेंस क्या आएगा? 1. दिस इज द आउटपुट. इन सभी केसेस में आउटपुट में डिफरेंस कितने का डिस्प्ले होगा? ओनली 1 1 का. अगर आप 1 बाय 1 सभी वैल्यू के एड्रेस सेपरेटली डिस्प्ले कराओगे ना, आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा 4 1 एंड 2.